अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। कैमरामैन रफीक अली के साथ मैं हूं आपका होस्ट बाबर अनायत। आज हमारे साथ मौजूद हैं महक ज्वेलर से तशरीफ लाए भाई असद साहब। आइए इनसे सोने का रेट जानते हैं और जो ये डिज़ाइन बनाते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले असद साहब, हमें ये बताएं कि आजकल जो सोने का रेट चल रहा है वो कैसे है? जी, सोने का रेट आज का मौजूदा रेट 90,000 है, जो कि आज से तकरीबन हफ्ता पहले ये 95,000 पे अचानक गया है, 2,000-3,000 जो सा अबव होता रहा है, तो अब अचानक से गिरा है। अल्लाह करे गिरे, तो ये गिरेगा तो कुछ लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट होगी कि चलो वो परचेज़ करेंगे। तो जैसे कि आजकल हमें देखने में मिल रहा है, ये दिन थे परचेज़ करने के और सेलिंग ज़्यादा है, तो इससे नज़र आता है कि लोगों को जो सा है ना गुंजाइश नहीं है। रेट इतना अबव हो चुका है, लोग सेल करने पर आ रहे हैं, परचेज़ करने पर बहुत कम आ रहे हैं। तो जैसे कि आर्टिफिशियल पे किया जाए तो उनकी सेलिंग है, वो क्यों, अब लोगों के अंदर इतनी गुंजाइश तो है नहीं कि वो गोल्ड खरीद सकें, लेकिन सेल आर्टिफिशियल की अच्छी है माशाल्लाह। वैसे सुनने में आ रहा है कि जो ज्वेलर्स वाले हैं उनमें से, मैंने अभी पिछले दिनों एक खबर चल रही थी कि लाहौर में एक ज्वेलर्स है, उसने ज्वेलर्स की दुकान छोड़कर बर्गर का अड्डा लगाया है, उसकी क्या वजह है? क्या जो जितने भी ज्वेलर्स हैं वो जो अब मौजूदा हुकूमत की वजह से हालात खराब है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जिसने पहनना है उसने तो पहनना है गोल्ड, लेकिन तो उसने तो देखा मौजूदा सूरत हाल के रेट इतना हो गया है, तो लोगों का रुझान इस तरफ से बहुत कम हो गया है। अब देखें जैसे कि कितना डेली का 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का सोना बिकने आ रहा है, और एक हिसाब लगाया जाए ये बिकने पे जोर है, ये परचेजिंग पे जोर है ही नहीं बिल्कुल भी। अब देखें उसने मेरे हिसाब से बिल्कुल ओके फ़ायदा किया, अपना फ़ायदा किया, क्यों कि देखें वो चीज़ आज जाकर फूड जोन सी है वो बहुत अच्छी जा रही है, मतलब कि लोग सब जो से ना फूड के ऊपर उतरे हुए हैं, लोग ले रहे हैं, सेल भी हो रही है, माशाल्लाह लोगों के कारोबार भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सा गोल्ड है वो जो पहले से जद्दी पुश्ती काम कर रहा है उनका गोल्ड का काम रह गया, बकाया जो से नए ज्वेलर रह गए उनका काम बिल्कुल एंड है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जद्दी पुश्ती काम चलता आ रहा है, हमारे सब ज्वेलर जो से बहुत अच्छे जा रहे हैं, रियाज ज्वेलर हमारे अंकल के हैं, कैसर ज्वेलर, रेहान ज्वेलर, जैन ज्वेलर, महक ज्वेलर, साबिर ज्वेलर, अब्दुल रशीद ज्वेलर, ये सब हमारे अपने हैं। अच्छा, आप जो ये डिज़ाइन बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये कैसे बनाते हैं? क्या इनकी कोई मशीन है या किस तरह इसके कोई कारीगर रखे हुए हैं? कि जो सर हमारे पास एट अ टाइम 3 कारीगर काम कर रहे हैं, तो हमारे पास एक कारखाना पूरा ऐसे एडजस्टमेंट हुई है, एक पॉलिश वाला है, एक छलाई वाला है। छलाई का मतलब ये होता है कि सादी जिसका पतरी कह लें आप, उसके ऊपर मशीन से डिज़ाइन बनते हैं, तो मतलब कि आगे साथ पॉलिश वाला, छलाई वाला, साथ कारीगर मेकिंग, मतलब कि ये 7-8 हाथों से होकर तो फिर कस्टमर के हाथ में जाता है। तो आप एक ये बताएं कि ये आपको सोने का कैसे पता चल जाता है, ये मिलावट वाला है या असली है? इसका आपको, आम बंदे को तो नहीं पता चलता, आपको तो पता होगा कैसे? सर जी ऐसे है कि जो सा गोल्ड होगा सबसे पहली बात उसका वजन होगा, हैवी होगा, अब आर्टिफिशियल होगा उसका वजन नहीं होगा, क्योंकि देखें अब ये इतनी है ना, अगर इतना ये गोल्ड का होगा तो ये काफ़ी वजनी होगा, अगर ये आर्टिफिशियल होगा तो इसका वजन नहीं होगा, सबसे पहले तो हम पहचानते हैं ऐसे। दूसरी बात है हमारे पास एट अ टाइम होता है एक नशादर नाइफ बोलते हैं, वो एक केमिकल समझ लें, उसको हम गर्म करते हैं, उसको डुबोते हैं अंदर, उसका रियल रंग बाहर आ जाता है, वो लोहा हो, पित्तल हो, तांबा हो, जिस्त हो, बंदल हो, वो सब की बाहर आ जाती है। लेकिन आजकल बस अल्लाह माफी दे क्या सिस्टम चल रहा है मार्केट के अंदर, ऐसे ऐसी चीज़ें बना रहे हैं वो ज्वेलर्स को भी नहीं पता चल रहा कि भाई वो क्या तैयार कर रहे हैं। तो अभी परसों की बात है, कल एक भाई के पास बैठा हुआ ज्वेलर भाई के पास, उसने बोला कि जी मैंने चूड़ियाँ ले ली, वो चूड़ियाँ ले ली, उसको गर्म किया, कोई टेंशन नहीं, कोई ओके नहीं, उसने पेमेंट उसको दे दी, वो 1 लाख तो कुछ हज़ार की बन रही थी, उसने ले ली, उसके अंदर देखा जनाब सिर्फ और सिर्फ 5,000 का सोना, बकाया 1 लाख का उसको टोटली तौर पे लॉस, बड़ा नुकसान हुआ होगा, बड़ा नुकसान हुआ है। वो तो बेचारा देख लेना, वो कहता है कि अब हम ज्वेलर्स होके हमें नहीं पता चल रहा, बाज़ टाइम हो जाता है ऐसे, लेकिन मे भी ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपनी दुकान बनाए को 8 साल हो गए हैं, पहले वालद साहब के साथ होता था, उनके साथ माशाल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का हमें जद्दी कुछ चीज़ मिला हुआ है तजर्बा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बहुत बेहतर है। अच्छा, ये सोना आप कहाँ से लेके आते हैं? पीछे कोई मार्केट कराची या लाहौर ऐसी कोई मार्केट है जहाँ से लेकर आते हैं? यहाँ पे हमारे स्टॉकियर बैठे हुए हैं, वहाँ से हम परचेज करते हैं, यहाँ मार्केट से भी मिलते हैं, अगर यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट हो जाए सोना तो फिर हम कराची से मंगवाते हैं, कराची से ना भी मिले तो लाहौर से तो लाजमी मिल जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये हम मंगवाते हैं पीस की सूरत में, ARV की सूरत में, ये इंपोर्ट होते हैं बाहर से आते हैं, बल्कि जहाँ से भी कान निकलती है वो जाके ARV में जाती है, वो खालिश होती है, डली बनती है, पीस बनता है 99%, वो फिर आता है हमारे होलसेलरों के पास, होलसेलरों से दुकानदारों के पास आता है। नाज़रीन, ये थे आज हमारे साथ मौजूद महक ज्वेलर से असद साहब, जो हमें सोने का रेट भी बता रहे थे और ये डिज़ाइन कैसे बनते हैं इस हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।